हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों के आपके यूट्यूब चैनल दीपक सर राज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसमें पार्ट वन और पार्ट टू तक पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पार्ट थ्री पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडिकेटर्स। इससे पहले हम लोग एसिड्स और बेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसके कैरेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या इंडिकेटर्स आपने कभी जाना है कि इंडिकेटर्स क्या होता है? क्या आपने कभी देखा इंडिकेटर्स? था, आप लोगों ने देखा है। कहाँ देखा? तो आपने देखा होगा अपनी गाड़ी में, ठीक ना, बाइक वगैरह जो रहता है, दो पीछे इंडिकेटर्स रहता होगा, दो आगे इंडिकेटर्स रहता होगा। तो उसका काम क्या है, इंडिकेटर्स का काम क्या है? अगर हम कहीं पार करते हैं तो क्या करते हैं, अगर कहीं हम लोग पार करते हैं तो इंडिकेट करने के लिए उसका काम आता है, ठीक ना। क्या काम आता है? इंडिकेट करने के लिए। अब मान लीजिए हमको इधर से रोड है, इधर पार करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स को इधर जलाते हैं, यानी कि इससे पता चल जाता है पीछे वाला और आगे वाला, क्योंकि ये इधर मुड़ेगा, इंडिकेट करने का काम करता है। उसको क्या करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। कभी कभी हम लोग खुद इंडिकेटर्स बन जाते हैं, जब पैदल चलते हैं तो क्या करते हैं, हाथ हाथ आगे लगा देते हैं, रोक देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो भी इंडिकेटर्स का काम करता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार अगर हम इंडिकेटर्स वहां समझ रहे हैं तो यहाँ भी इंडिकेटर्स को समझ जाएंगे, ठीक ना। तो इंडिकेटर्स क्या होता है? तो इंडिकेटर्स सबसे पहले ये होता है कि ये जब हमें कोई, ठीक ना, ये ऐसा सब्सटेंसेस होता है जो कि इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर्स को इंडिकेट करता है, ठीक ना। इंडिकेटर्स क्या करता है, एसिड और बेसिक नेचर्स को इंडिकेट करता है, ठीक ना। तो यहाँ सबसे पहले अब हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं, ठीक ना। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि ये सोल्यूशन का क्या करता है, एसिडिक और बेसिक नेचर को क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक ना। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय एवं क्षारीय विलयन की प्रकृति को क्या करता है, सूचित करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई, यहाँ पर मान लीजिए तीन बर्तन है, किसी एक में एसिड है, किसी एक में बेस है और किसी एक में सॉल्ट है, ये तो कुछ भी है, तीन कंटेनर है, तीनों कंटेनर में मतलब मान लीजिए क्या रखा हुआ, कोई मतलब कुछ रखा हुआ, सॉल्यूशन रखा हुआ मान लीजिए। तो उसमें बोल रहा है कि आप बताएं कि इसमें कौन सा एसिड, कौन सा बेस है, कौन सा क्या है, सॉल्ट है। तब क्या कहेंगे आप, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग इंडिकेटर से चेक करेंगे। आप तो कहेंगे कि हम इंडिकेटर से क्यों चेक करें सर, आपने तो बताया कि एसिड स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि हम किस चख चख के देख लेंगे, बेस क्या था, स्वाद में कड़वा होता है, हम चख के देख लेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। नहीं, जो खट्टा होगा वो क्या होगा, वो एसिड होगा, जो जो क्या होगा, कड़वा होगा वो क्या होगा, बेस होगा। आप तो ऐसे भी कह सकते, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक ना, ऐसा नहीं होता है। अगर हम क्या करेंगे, एसिड को क्या करेंगे, चखेंगे, तो वो हमारे क्या हो सकता है, जीभ भी जल सकता है, ठीक ना, जीभ क्या हो सकता है, जल सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी गलती कर भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। एसिड मीन्स तेजाब होता है, समझ रहे हैं ना, तेजाब, तो ये क्या हो सकता है, जल भी सकता है। इसकी वजह से हम लोग ऐसे, यानी एसिड बेस और सॉल्ट सॉल्यूशन को पता करने के लिए हम लोग को इंडिकेटर्स का जरूरत है। क्या चीज का जरूरत है, इंडिकेटर्स का। विदाउट इंडिकेटर्स के हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स है, तो इंडिकेटर्स हम लोग को इंडिकेट करता है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा क्या है, सॉल्ट है। तो ये कैसे बताता है, तो ये कलर्स चेंज के माध्यम से बताता है। ये क्या होता है, ये मतलब एसिड सॉल्यूशन में मतलब मान लीजिए बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसा हो जाता है कि जो कलर चेंज के माध्यम से ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक ना, कौन सा एसिड से, कौन सा बेस है, कौन सा क्या है, सॉल्ट है। आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। जैसे अब आगे आता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक ना, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स यानी क्या होता है, इंडिकेटर्स को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे बेसिकली फोर टाइप्स होता है, ठीक ना, तो इंडिकेटर्स को बेसिकली फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इंडिकेटर्स क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल, एक पहला इंडिकेटर्स है नेचुरल इंडिकेटर्स, पहला इंडिकेटर्स क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है, जो कि नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग अपने से नहीं बना सकते, इस इंडिकेटर्स को अपने से नहीं बना सकते, यानी नेचुरल सोर्स से ही प्राप्त होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कम अपटेंट या तो
ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि जिसे हम लोग नेचुरल सोर्स से इसे क्या करते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या आप लोग समझ पाए? ठीक ना, तो ये इसमें क्या होता है, एक लिटमस, रेड केवेज लीफ, ठीक ना, टर्मेरिक एटसेट्रा, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि नेचुरल से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम लोग लिटमस घर से बना सकते हैं क्या? नहीं, केवेज, रेड केवेज लीफ, टर्मेरिक, ये सब हम लोग अपने से नहीं बना सकते, ये नेचुरल सोर्सेस से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नेचुरल इंडिकेटर्स। इसमें एक आता है लिटमस, ठीक ना, लिटमस क्या होता है, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस, ठीक ना, लाइकेंस से एक पौधा होता है, ठीक ना, ट्रीज होता है, उसी से इसे हम लोग क्या करते हैं, लिटमस को प्राप्त करते हैं, उसके जड़ों से हम लोग, लाइकेन के जड़ों से ही क्या प्राप्त करते हैं, हम लोग लिटमस प्राप्त करते हैं। लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर्स, ब्लू एंड रेड, ये दो कलर्स में आते हैं लिटमस, ठीक ना, एक ब्लू और रेड्स में आते हैं, ठीक ना। ये क्या करता है, ये सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है कि कौन सा सॉल्यूशन किस, मतलब क्या है, एसिडिक है और कौन सा बेस। मान लीजिए मेरे पास दो कंटेनर है, ठीक ना, दो कंटेनर है, अगर मान लीजिए ये, मान लीजिए एस, इसमें अगर मान लीजिए आप लिटमस को इसमें डालें, इसका कलर हो गया रेड, ठीक ना, क्या हो गया रेड, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, तो ये सॉल्यूशन है एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक ना। अगर मान लीजिए इसमें कलर हो गया ब्लू, तो ब्लू हो गया कलर, तो इसका मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक ना। तो यानी कि ये कलर चेंज होता है, यानी कि एसिडिक में ये रेड हो जाता है और बेसिक में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को कैसा हो जाता है, कलर रेड हो जाता है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में कोई अगर लिटमस पत्र है तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। अब बेस्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, बेस्ट सॉल्यूशन में ये क्या हो जाता है, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, ये तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं ना। तो ये लिटमस होता है, इसी तरह रेड केवेज लीफ होता है, ये भी क्या करता है, यानी कि ये सब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा दें कि ये लाइकेंस, मतलब लिटमस जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि लाइकेंस जो है कहां से प्राप्त किया जाता है, सोर्स क्या है, ये लिटमस कहां से प्राप्त किया जाता है, तो ये लाइकेंस से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक ना। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक ना, कृत्रिम इंडिकेटर, यानी कि जैसे वो इंडिकेटर जो कि जो क्या कर सकता है, जिसे हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं, ठीक है ना, अपने खुद से बना सकते हैं, तो उसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोला जाता है, यानी कृत्रिम सूचक, ठीक ना, जैसे मैथिल ऑरेंज, ठीक ना, फिनॉल फैथिलीन, ये सब क्या किया जा सकता है, लेबोरेटरी में बना सकते हैं, तो ये सब क्या हुआ, ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक ना। तो अभी हम लोग दो टाइप पढ़ चुके हैं, तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, यानी कि ये स्मेल, यानी कि इसमें क्या होता है, इस इंडिकेटर में, यानी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक ना, इसमें क्या होता है, स्मेल चेंज होता है, तो उससे हम लोग पता करते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, ठीक ना। दिस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, इसका जो होता है क्या होता है, इसका सुगंध जो होता है एसिडिक और बेस में क्या होता है, अलग अलग होता है, इससे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर, यानी गंध सूचक, या तो इसे सुगंध सूचक भी बोल सकते हैं, ठीक ना, यानी कि बेस पदार्थ जो अलग अलग एसिड और बेस में अलग अलग सुगंध देता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, मतलब जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक ना, उसका स्मेल या कलर कैसा होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक ना, यानी कि क्षारीय माध्यम में और अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में इसका कलर कैसा होता है या तो सुगंध कैसा होता है। सबसे पहले लिटमस, ठीक ना, लिटमस क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है, ठीक ना, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक ना, जानते हैं रेड केवेज लीफ, ठीक ना, एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है और बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, ग्रीन होता है। ये आप लोग अपने एग्जाम की दृष्टि से ये याद कर ही लीजिएगा, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट। टर्मेरिक जो है, टर्मेरिक यानी हल्दी, ठीक ना, रेड केवेज लीफ यानी लाल गोभी का पत्ता, ठीक ना, तो ये सब क्या होता है, इसमें नो चेंज, यानी एसिडिक सोल्यूशन में इसका चेंज नहीं होता है कलर, ठीक ना, जबकि बेसिक सोल्यूशन में ये लाल भूरा हो जाता है, ठीक ना, रेडिश ब्राउन जिसे बोलते हैं, लाल क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है।
फिर आगे आता है फिनॉल फैथलिन, ठीक ना, ये कलरलेस होता है, एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है कलरलेस, ठीक ना, जबकि बेसिक सोल्यूशन में गुलाबी हो जाता है। मैथिल ऑरेंज, ठीक ना, इसका कलर एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है जबकि बेसिक सोल्यूशन में येलो हो जाता है, यानी पीला। ऑनियन, ऑनियन जो होता है इसका सुगंध जो होता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी कि ये तीक्ष्ण गंध देता है, ठीक ना, एसिडिक सोल्यूशन में ये तीक्ष्ण गंध, क्या बोल सकते हैं, तीक्ष्ण गंध देता है, ठीक ना, और ये बेसिक सोल्यूशन में कोई गंध, नो स्मेल, यानी सुगंध नहीं देता है, ठीक ना। क्लोवाइल, ठीक ना, क्लोवाइल क्या होता है, ये रिटेन स्मेल, यानी कि ये स्मेल को अपनी क्या करता है, बरकरार रखता है, ठीक ना, जबकि इसमें लॉस्ट स्मेल, यानी कि इसमें क्या करता है, स्मेल धीरे धीरे खो देता है, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, इसमें स्मेल को बरकरार रखता है, इसमें खो देता है। तो ये हुआ मेरा इंडिकेटर ऑल्फैक्टिव। चौथा इंडिकेटर्स है, ठीक ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक ना, चौथा इंडिकेटर्स क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यानी यूनिवर्सल सूचक। यहां पर हम लोग को यूनिवर्सल सूचक की आवश्यकता पड़ा, ठीक ना, क्या पड़ा, यूनिवर्सल सूचक, क्योंकि वो इससे पहले जितने भी इंडिकेटर्स थे सभी ये बताने में सक्षम हो पा रहे थे, मतलब कौन सा एसिड सॉल्यूशन है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है, परंतु ये नहीं बता पा रहे थे कि वो कितना, उसका मतलब कौन सा एसिडिक कितना पावर है, ठीक ना, कितना ज्यादा एसिडिक है और कितना ज्यादा बेसिक है, ये बताने में वो क्या हो पा रहे थे, मतलब यानी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक ना, इससे वो केवल जान पा रहे थे ये एसिडिक सॉल्यूशन है, वो बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कितना उसका पावर है, ठीक ना, ये पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए एक आया यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर मिक्सचर ऑफ, ठीक ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट कैन टेस्ट द सॉल्यूशन फॉर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होता है क्या होता है, बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है, ठीक ना, इट कैन टेस्ट द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो है क्या करता है, अम्लीय और क्षारीय माध्यमों के गुणों को भी क्या करता है, जांच करता है। एसिडिक ये क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है, तो ये सबसे पहले जानते हैं। तो ये इंडिकेटर्स क्या होता है, आप यहां देखेंगे, आपने यहां देखा होगा एक स्केल देखा होगा, ठीक ना, जिसे इसमें 14, ठीक ना, बॉक्सेस होते हैं, ठीक ना, आप काउंट नहीं कीजिएगा, ये 14 से ज्यादा बॉक्स होता है, बीच में जो होता है ये 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है, इसे न्यूट्रल होता है, ठीक ना, इसे उदासीन बोलते हैं, ठीक ना, जैसे यहाँ से 0 होता है, यहाँ से 14 होता है, तो जैसे ही 7 से इधर बढ़ता है तो ये एसिडिक होता है, ठीक ना, 7 से आगे इधर बढ़ता है 14 की ओर, तो ये क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक ना, जिसे हम लोग इसे पीएच स्केल या पेपर भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल या पीएच पेपर भी बोलते हैं, ठीक ना, तो ये क्या करता है, यानी कि ये बताने में सक्षम होता है कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, आपने ऐसा देखा होगा अपने बुक में, ठीक ना, क्या आपने कभी अपने लाइफ में देखा है, तो आप लोग फेयर लवली का एड देखते होंगे, तो उसमें दिखाता होगा या बॉक्स बना देता होगा, आज वन फर्स्ट डे इतना है, सेकंड डे ऐसा कलर होगा, थर्ड डे ऐसा कलर हो जाएगा, अब तो आजकल यूट्यूब पर सब आ गया है, ठीक ना, अब तो टीवी देखना भी बंद कर दिया, इसे पता भी नहीं, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे, ठीक ना, तो इसमें क्या होता है इस इंडिकेटर्स में, तो ठीक ना, तो इसमें कलर्स नेम दिया हो रहता है, ठीक ना, वो 0 में 1 के कलर, 2, 3, 4, 5, 6 हर एक बॉक्स में एक कलर दिया हो रहता है, ठीक ना, इस पेपर को क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, ठीक ना, अगर सॉल्यूशन में डुबाने के बाद मान लीजिए 3 से मैच कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या पता चला कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, सबसे पहले तो वो अम्लीय है, वो क्या है, अम्लीय, ये तो फर्स्ट में पता चलेगा, सेकंड में क्या पता चलेगा, सेकंड में क्या पता चल जाएगा कि वो कैसा, मतलब उसका पीएच वैल्यू भी कितना है, यानी 3, यानी पीएच वैल्यू भी पता चल गया, यहां पर 3 हो गया, ठीक ना, इससे वो पता चल पा रहा है कि ये कितना यानी ज्यादा शक्ति है उस एसिडिक में, कितना ज्यादा यानी उस सॉल्यूशन में कितना ज्यादा शक्ति है, ठीक ना, पी एच स्केल, एक पीएच मतलब होता है पोटेंच, क्या होता है, पोटेंच, ये एक जर्मन वर्ड है, पोटेंच मतलब होता है पावर,
क्या होता है पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल मीन्स पावर होता है, एच फॉर हाइड्रोजन, ठीक ना, क्या होता है हाइड्रोजन, यानी क्या होता है पीएच स्केल क्या बताता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक ना। तो ये जो होता है पीएच स्केल हमें हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में बताता है, यानी कि ज्यादा अगर पोटेंशियल यानी ज्यादा इसका शक्ति होगा तो ये ज्यादा अम्लीय होगा, धीरे धीरे ये क्या होता है जैसे इधर सेवन से इधर बढ़ेगा तो उसका शक्ति धीरे धीरे क्या होता है कमते जाता है। इसके बारे में हम लोग पीएच स्केल के बारे में आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये क्या होता है यही इंडिकेट करता है, अगर मान लीजिए किसी बिलियन का ये 13 से मैच किया, ठीक ना, क्या किया, अगर हम मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में हमने पीएच स्केल को डुबाया तो वो उसका कलर चेंज होके क्या हुआ 13 से मैच कर रहा है, ठीक ना, 13 से मैच कर रहा है, तो यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, यानी वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक ना, सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक ना। और उसका मतलब इससे क्या पता चला, उसका पावर का भी पता चल रहा है कि कितना उसका पावर है, ठीक ना, यानी कि उसका पीएच वैल्यू भी पता चल रहा है। इसलिए हम लोग को यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का जरूरत पड़ा, ठीक ना, इससे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का जरूरत नहीं था, लेकिन हमें उसके पावर को जानने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को जरूरत पड़ा, क्योंकि ऐसा हम लोग तो कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है इसे हम इंडिकेटर से ही जान रहे थे, परंतु हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का क्या जरूरत पड़ा, यानी उसके पावर को जानने के लिए, उसकी शक्ति को जानने के लिए, ठीक ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगर इस वीडियो का पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर इस वीडियो का पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट वन और पार्ट टू को जरूर देखें, ठीक ना। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।